एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नगर निकाय चुनाव में पिछले अपने कई गढ़ गवा देने के बाद बीजेपी को अब इस बात का डर सता रहा है कि इन दिनों प्रदेश में जो कांग्रेस की हवा चल रही है उसमें बीजेपी के हाथ से कहीं राजसमंद सीट ना निकल जाए, क्योंकि इस सीट से सिर्फ किरण माहेश्वरी ही एक ऐसा नाम था जिस पर बीजेपी आंख मूंद कर दाव खेलती रही है। लेकिन अब किरण माहेश्वरी के निधन के बाद बीजेपी को अपने हाथ से ये गढ़ निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी अच्छी पकड़ रखते हैं और माना जा रहा है कि इस सीट पर भाई साहब यानी कटारिया की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीते दिनों पार्टी में जो लेटर बम फूटा उसकी आंच नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कटारिया तक भी पहुंची। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने इस पुराने किले की पहरेदारी के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अपने दो केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी को मैदान में तैनात कर दिया है। वहीं उपचुनावों को लेकर बीजेपी में दावेदारी भी तेज हो गई है। किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी मैदान में ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्हें कई बीजेपी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार कृषि कानूनों और महंगाई के मुद्दों को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रही है, तो ऐसे में क्या दीप्ति किरण माहेश्वरी इस वाली सफलता को फिर से दोहरा पाएगी? ये पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है।